छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के तत्वाधान में विहान महिला कर्मचारियों, कृषक मित्र, स्कूल सफाई कर्मचारी और नगर निगम के अनियमित कर्मचारियों के द्वारा नियमितीकरण की मांग को लेकर नेहरू चौक में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। कलेक्ट्रेट पहुंचे महासंघ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सचिन शर्मा ने बताया कि कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि सरकार बनने पर 10 दिन के भीतर समस्त अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाएगा, किंतु सत्तारूढ़ सरकार अपने किए हुए वादों को भूल चुकी है। कांग्रेस सरकार को सत्ता में आए हुए 3.5 वर्ष से अधिक हो गए हैं, जिसके कारण अनियमित कर्मचारियों में प्रदेश सरकार के खिलाफ आक्रोश पनप रहा है, जिससे अपनी मांगों से प्रदेश सरकार को अवगत करने के लिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। बताएंगे कि आज आप लोग यहाँ पर अपनी किस मांग को लेकर आए? ये आज छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन नेहरू चौक में किया जा रहा है, जिसमें कि किसान मित्र महासंघ और विहान की समस्त महिलाओं द्वारा आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। क्योंकि कांग्रेस सरकार की घोषणा थी कि उनकी सरकार बनते समस्त अनियमित कर्मचारियों को 10 दिन के अंदर नियमितीकरण कर दिया जाएगा, लेकिन आज विगत 3.5 साल से ऊपर हो गया भैया, लेकिन किसी भी अनियमित कर्मचारी को नियमितीकरण नहीं किया गया। उसी उनकी घोषणा को याद दिलाने के लिए आज अपना नेहरू चौक में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया है, और इसीलिए कलेक्ट्रेट में आज आके मुख्यमंत्री को कलेक्टर के द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है कि वो उनको हम मुकेश सरकार को उनकी घोषणा याद दिला रहे हैं कि जल्द से जल्द समस्त अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण करें। अगर नियमितीकरण नहीं किया जा रहा है तो 1 सितंबर से अनियमित कर्मचारी द्वारा अनिश्चितकालीन आंदोलन बूढ़ा महातालाब में आज से चालू हो गया है। जब तक समस्त अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण नहीं किया जाएगा तब तक बूढ़ा तालाब में समस्त अनियमित कर्मचारी तब तक बैठे जाएंगे तब तक उनका अनियमितीकरण न होगी। मेरा नाम सचिन शर्मा, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित। क्या चाहते हैं आप? हम लोग नियमितीकरण की मांग को लेकर के आए हैं सर, और हम चाहते हैं कि हमारे जो विहान कर्मचारी है NRLM राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत संचालन है भारत सरकार के द्वारा, इसलिए हम लोग नियमित रूप से हमारे नियमितीकरण हो और हमारे जो मानदेय है वो बढ़ाया जाए। कितना मिलता है मानदेय आप लोग? 5,000 मिलता है, जिसमें 10 से 12 गाँव फील्ड करना पड़ता है। जैसे आपको आरपी के लोग करते हैं वो लेखा जोखा करते हैं, लेखा जोखा का काम रजिस्टर मेंटेन करते हैं। तो फील्ड के लिए क्या आप लोगों को ऐसा कोई अलग से भत्ता नहीं मिलता? अलग से भत्ता 50 रुपये दिया जाता है, इसी में जोड़ करके वो टोटल 5,000 मिलता है। 4,000 जो है मेहनताना है ये जो भी है 50 रुपये, जिस समय 50-60 रुपये थी पेट्रोल की कीमत तब से 50 रुपये प्रति कार्य दिवस के हिसाब से दिया जाता था, लेकिन आज सबसे ऊपर हो गया है। ऐसे में 20 कार्य दिवस का मानदेय मिलता है हम लोगों को, मात्र 5,000, और 30 दिन हम लोगों को काम करवाया जाता है। प्रेशर के द्वारा मानसिक शोषण को दिया जाता है, काम नहीं करोगे तो हटा दिया जाता है, कहाँ गए वो, 1 दिन के लिए भी कहीं चले जाते हैं बिना बताए, या किसी का तबीयत खराब हो जाता है अचानक, उस स्थिति में हमारे साथ धमकी दी जाती है अधिकारी के द्वारा या फिर पद शासन के किसी भी जो मुख्य अधिकारी हैं उनके द्वारा कि आप काम छोड़ दो, काम नहीं करना है, तो इस प्रकार से हमको धमकी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें नियमित किया जाए, क्योंकि कांग्रेस सरकार के द्वारा जितने भी अनियमित कर्मचारी हैं उनको वादा किया गया था, घोषणा किया गया था कि अनियमित कर्मचारी हैं उनको नियमित किया जाएगा। मान लीजिए आप लोगों के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, आज तक 1 रुपया भी मानदेय में बढ़ोतरी नहीं की जा सकी, इतनी महंगाई में जूझ रहे हैं, हम लोग खुद की आजीविका मुश्किल में हो गई है। इसलिए हम चाहते हैं कि अगर सरकार हमारी नहीं सुनती है, मुख्यमंत्री को कलेक्टर महोदय के द्वारा हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती तब आप क्या करेंगे? हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले जाएंगे सर, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। हमारी मानदेय जो है 3 महीना तक, अभी 3 महीना हो गई है नहीं मिला, ये चौथा रनिंग में है, अभी तक हमें नहीं मिला है। टीका पूरा मनाने की तो दूर, हमारे कर्ज में डूब गए हैं, हमें लोन पटाने की स्थिति में नहीं है अभी, तो त्योहार तो बात ही नहीं है अभी। ठीक है, अभी विहान समूह से किस किस ब्लॉक से आपके आंदोलन में शामिल हुए? कौन कौन से ब्लॉक से? विहान में किस किस ब्लॉक से? सभी ब्लॉक। आपका नाम बताएंगे? अपना नाम बताएंगे, मालती जायसवाल है, मैं FLCRP की प्रांत सचिव। मुकेश शर्मा की रिपोर्ट।